इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की तरफ से जो एसोसिएटशिप का बहुत लंबे समय से IITS में सेंटर है और हर महीने तकरीबन 20-22 एसोसिएट्स अलग अलग कॉलेजेस से और इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स जो हैं इसमें बुलाए जाते हैं, जो अपना अपनी इच्छा का या अपने इंटरेस्ट का जो है रिसर्च वर्क यहाँ पे करते हैं और महीने के अंत में उनकी जो अपनी प्रेजेंटेशन वो होती है। मैं भी 2008 से एसोसिएटशिप ज्वाइन की थी और दो जिसको अब स्पेल बोलते हैं 6 बार मैं भी रहा हूँ। तो उस दिन डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, एक बार यहाँ पे कोई एसोसिएट्स आ जाते हैं तो वो फेलो तक उनका निशाना रहता है तो मैं उसमें सक्सेसफुल रहा और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब भी हम 3 साल एसोसिएट रहे हैं इकट्ठे यहाँ पर, तो इनको पहले से मैं जानता हूँ। डॉक्टर सिमरन वो तो मेरे कॉलेज के कलीग हैं इंग्लिश के, डॉक्टर अकाल अमृत इनको भी मैं 15-20 साल से क्योंकि हमारा फील्ड एक है और पंजाबी डायस्पोरा पे काम करने वाले पंजाब में जितने भी कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनमें से ये प्रोमिनेंट हैं, हर उसमें सेमिनार कॉन्फ्रेंस चाहे देश में या विदेश में इनकी पार्टिसिपेशन ज़रूर होती है और बाकी लोगों से भी मेरी थोड़ी सी वाकफियत ज़रूर है और इन दिनों में अच्छी तरह मैं उनको जान पाऊँगा। डॉक्टर करण सिंह मैं इनके बारे में मुझे जानकारी है तो बाकी आज इनका भी लेक्चर जो है सुनेंगे। तो बाई नेम तो खैर आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही हैं। डॉक्टर लीना चौहान जो कि डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा उनके एसोसिएट प्रोफेसर हैं और यहाँ पर एसोसिएट रहे हैं शायद आपका छोटा सा लास्ट ईयर, तो थर्ड स्पेल का यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, इच्छा सबकी होती है लेकिन प्रोविजन नहीं है सो दूसरा लंबा वाला रूट लेना पड़ेगा फेलोशिप वाला। तो आज का जो इनका प्रेजेंटेशन का विषय है मुझे इंटरेस्टिंग लगा सुन के क्योंकि इसमें वर्तमान शिक्षा ज्ञान का विस्तार या संकुचन, पहले तो हम इसको सुन लेंगे क्योंकि हो सकता है कि मन में हमारे पहले से एक टॉपिक को देख के प्रश्न उठ जाते हैं जो इस समय शिक्षा नीति में बदलाव का दौर चल रहा है उसके बारे में भी हो सकता है हम लोग कुछ चिंतातुर हों, कईयों के मन में प्रश्न होगा कि कैसा होगा, कई तरह के उसके ऊपर आक्षेप भी लग सकते हैं लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर उसको एकेडमिशियंस जो अध्येता है खुले मन से उसको सोचें विचार करें और उसमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए जिससे एक हमारा सबसे पहले तो अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो पूरा भारत उसमें फोकस में आता है जिसमें टुकड़ों की जगह ना हो, एक संकुचित ना हो बल्कि एक पूरा जो कॉम्पोजिटनेस हो, सबकी उसमें प्रेजेंटेशन भी हो और उसमें से कुछ ना कुछ सबके लिए उनको मिल सके। और इन्हीं शब्दों से मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लीना चौहान जी को कि वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत। धन्यवाद अमन जी, मेरी तैयार करने के लिए और इस प्रपत्र के बारे में बताने के लिए समय को देखते हुए मैं शुरू करती हूँ। ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है, शब्दातीत है, वर्णनातीत है। मानव की प्रगति संस्कृति का निर्माण ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जंगली गुफाओं में रहने वाले आदि मानव को सभ्य और संस्कारी तभी माना गया जब उसे अपने अस्तित्व का और अपने जीवन के लिए आवश्यक प्रकृति के महत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जीवित रहने के लिए साधन को ईश्वर संबंधी ज्ञान द्वारा उन्हें जीवन का आधार माना गया। मनुष्य को ज्ञान हुआ कि वायु, जल, वनस्पति, अग्नि, सूर्य इनके बिना जीवन संभव नहीं है।
इस आधार पर अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल इत्यादि को देवता के रूप में माना गया और उनकी आराधना होने लगी। मनुष्य ने जब स्वीकार कर लिया कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है, उससे अधिक शक्तिशाली कुछ और है और उसे जीवन देता है, इस भाव में उसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने का आधार बनाया। धीरे धीरे आस्था का विस्तार हुआ। प्रगति के साथ ईश्वर के संबंध में जो ज्ञान मिला उसे इतना ही नहीं है नेति नेति कहकर विस्तार की संभावनाएं मान ली गई। संसार में सांसारिक वस्तुओं से संबंधित ज्ञान के प्रमुख तीन आधार हैं। नंबर एक, किसी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करना और उसके विषय में अधिक खोज करना। नंबर दो, खोज के आधार पर मिले ज्ञान का परीक्षण करना। नंबर तीन, परीक्षण सफल हो जाने पर विस्तृत अनुभव के बाद उस सिद्धांत को प्रमाणित करना। खोज, परीक्षण और प्रमाणों के आधार पर जो सिद्ध होगा साक्ष्य होता है उसी को हम ज्ञान माना करते हैं। आज पूरे विश्व में यह तथ्य सर्वमान्य है कि वर्तमान युग में विज्ञान और तकनीक का विकास चरम सीमा पर है, लेकिन ध्यान दें और अतीत को पुनः देखें तो ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में भी एक अलग विज्ञान था, एक अलग तकनीकी थी जो प्राचीन सभ्यता की समाप्ति के साथ लुप्त हो गई। प्राचीन काल में विद्वानों ने अपने परीक्षण से, लंबे अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया उसका दुर्भाग्यवश हस्तांतरण न होने के कारण वह समय के सागर में सदा के लिए लुप्त हो गया। खुदाई करने पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, बेबिलोनिया सभ्यता के मूर्त प्रमाण उनकी सभ्यता को प्रमाणित कर गए, लेकिन उस युग में या उससे पहले जो अमूर्त ज्ञान था वो आज कहीं देखने पर भी नहीं मिलता। यह ज्ञान था और बहुत विस्तृत था, इसके प्रमाण अनेक रूपों में मिलते हैं। यह समस्त ज्ञान के लुप्त होने के जो कारण हैं, जो ज्ञात होते हैं वो इस प्रकार माने जा सकते हैं। नंबर एक, ज्ञान व्यक्ति विशेष तक सीमित रह गया, उसका उचित हस्तांतरण नहीं हुआ। नंबर दो, शिष्य या छात्र की प्रबुद्धता का अभाव। नंबर तीन, व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता की अनभिज्ञता होना। नंबर चार, ज्ञान के आदान प्रदान की गति बाधित हो जाना। आज पूरे विश्व के इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ज्ञान विज्ञान तकनीकी केवल आज के युग के नहीं मिलती बल्कि इससे बहुत पहले भी विकसित थी, हालांकि उनका स्वरूप भिन्न था। जो विज्ञान और तकनीकी आज सुलभ है वो अतीत में नहीं थी, पर विडम्बना यह है कि जो विज्ञान तकनीकी अतीत में थी वो आज दुर्लभ ही नहीं अप्राप्य हो चुकी है। अतीत में ज्ञान विज्ञान विकास के जिस शिखर पर पहुंचा था उसके सबसे बड़ा कारण था ज्ञान उस शिष्य को ही दिया जाता था जिसमें उसे प्राप्त करने की क्षमता होती थी। व्यक्तिगत कौशल, क्षमता, रुचि ज्ञान पाने का सबसे बड़ा आधार हुआ करते थे। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था भी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर बनाई गई थी। धीरे धीरे जन्म के आधार पर वर्ण को मान्यता मिलने लगी जिससे व्यक्ति की क्षमता न होने के कारण उसमें गुणवत्ता की कमी आने लगी। अतीत के इन तथ्यों को विश्लेषण करने पर हम आज के युग में ये अनिवार्य मानते हैं कि विज्ञान तकनीकी आज प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान लुप्त हो गया, जिसका संरक्षण नहीं हो सका, वो विश्व के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन चुका है। आज पूरे विश्व में शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है, हर क्षेत्र में समान शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, किंतु क्या आने वाली पीढ़ी को सच्चे अर्थों में ज्ञान मिल रहा है या नहीं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। भारत में बच्चों को दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा से ही उसकी रुचि क्षमता को जाने बिना उस पर अनेक विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम ला दिया जाता है। हर विद्यालय में, हर संस्थान में आपसी इतनी प्रतिद्वंद्वता है कि अपना स्तर ऊंचा दिखाने के लिए पाठ्यक्रम में इतना विस्तार कर देते हैं कि बच्चा केवल अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कक्षा उत्तीर्ण कर जाता है। इन विषयों का गहन अध्ययन मनन न उसके लिए उसकी अयोग्यता होती है और न ही उसके पास इतना समय होता है। भारत की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि बालक की रुचि, उसकी क्षमता के विषय उसके माता पिता और शिक्षक बिल्कुल नहीं जानते। प्रारंभ में ही शिक्षा का ठोस आधार न पाने के कारण बच्चे को शिक्षा तो मिल जाती है
लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। उसकी रुचि क्या है स्वयं को नहीं जान पाता। भारत में ज्ञान है शिक्षा के उदाहरण प्रारंभिक शिक्षा में ही नहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में भी है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है भारत की आयुर्विज्ञान शिक्षा। भारतीय संस्कृति में भगवान राम के समय राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर मूर्त देह को राम की प्रतीक्षा में कुछ समय के लिए संरक्षित रखा गया था। यह संरक्षण किस प्रकार किया गया था इसका कोई संकेत नहीं मिलता। नंबर दो, सीता हरण के समय रावण सीता को लंका ले गया था। इतनी दूर तक किस परिवहन का प्रयोग किया गया था, कौन सा साधन था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सीता की गोद में राम ने लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र में सेतु बनाते समय किस तकनीकी का प्रयोग किया था इसका संकेत भी नहीं मिलता। चूंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे इसलिए अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इससे प्रमाणित होता है कि सेतु निर्माण के समय प्रयुक्त तकनीकी मानव सुलभ नहीं होगी, परंतु वह क्या थी इसका ज्ञान सदा के लिए हो गया। महाभारत काल में ऐसे बाण माने जाते थे जो शब्द वेदी थे, जो ध्वनि या नाद के आधार पर लक्ष्य भेद सकते थे। यह युद्ध कला का ज्ञान चरम उत्कर्ष पर था, जो निर्जीव बाणों को भी इस प्रकार नियंत्रण कर सकता था। जो ज्ञान उन्हें मानवों के समान जीवित बना दिया करता था और यह सारा का सारा ज्ञान उन मानवों के साथ उन गुरुओं के साथ अस्त हो गया। भारत से इतर मिस्र में भी सम्राट की मृत्यु हो जाने पर जड़ी बूटियों का लेप लगाकर उसकी देह को संरक्षित किया जाता था। इस प्रक्रिया को ममी बनाना कहा करते थे। लेप लगाकर त्रिभुजाकार आकृति में पिरामिड में रखकर उन्हें सुरक्षित कर दिया जाता था। यह ज्ञात है कि पिरामिड की आकृति किसी भी वस्तु को संरक्षित करने में सफल हो सकती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी त्रिभुजाकार आकृति के कारण अंदर नहीं पहुंच पाती। किंतु विचारणीय तथ्य ये है कि उस समय का विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका था जो सूर्य की किरणों का मार्ग परिवर्तित कर सकता था और पिरामिड के अंदर की मृत देह को लेप लगाकर रखा जाता था उसको भी संरक्षित कर सकता था। ये कैसे बनाया जाता था ये प्रश्न उत्तरित है। पिरामिड निर्माण में विशालकाय पत्थरों को बिना खंडित किए इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया, उन्हें परस्पर कैसे जोड़ा गया, यह ज्ञान भी उस पीढ़ी के साथ लुप्त हो गया। भारत के मुगल काल में संगीत सम्राट तानसेन ने संगीत कला के जितने ऊंचे शिखर को पहुंचाया था आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। तानसेन का ज्ञान उनके साथ ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट, भारत में प्राचीन कला में योग साधना उन्नति के शिखर पर थी। ऋषि मुनि ही हिमालय पर्वत पर जाकर निर्वस्त्र होकर तपस्या करते थे, 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहते थे। आज भारत में अन्य देशों में योग शिक्षा का प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है लेकिन उनमें वो ज्ञान नहीं है जो ऋषि मुनियों में था, जो शारीरिक तापमान को वातावरण के अनुकूल बना लिया करते थे और उनकी नाड़ी या हृदय गति को इस तरह नियंत्रित कर लिया करते थे कि वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो कल ही मालूम पड़ा है, जिसको पद्मश्री दी गई है शिवानंद स्वामी को, 126 साल के हैं। चीनी नहीं खाते, घी नहीं खाते, किसी तरह का फल नहीं खाते, केवल उल्लंघ भोजन लेते हैं और इसके बाद में उनके घुटने, उनकी आंखें, सारा का सारा शरीर ऐसा ही लगता है जैसे किसी 50 या 55 साल के व्यक्ति का हो। तो जो उनकी शिक्षा है, जो उनका योग है उन तक सीमित है लेकिन आगे अभी नहीं चल पाया है। उनको मैं अपोर्ट करना चाहती हूँ जो समय पेपर लिखते समय पता नहीं चला था। भारत में यदि किसी को हृदय संबंधी रोग हो या शल्यक्रिया करनी हो तो आर्थिक सामर्थ्य न होने पर व्यक्ति विदेश में जाकर उपचार करना चाहता है, भारत में नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले छात्र में बुद्धिमत्ता या क्षमता की कमी है। भारत में ज्ञान हमेशा से विद्यमान रहा है। इसी भारत में आर्यभट्ट जन्मे थे। इसी भारत में होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक जन्मे थे लेकिन उन लोगों की शिक्षा भी विदेश में हुई थी। जिन्हें सीमित साधनों में ही अपने अद्वितीय प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन किया। भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे अवसर और सौभाग्य प्रतिभाशाली छात्रों में नहीं मिल पाता।
भारत में आयुर्विज्ञान के स्नातक विषय में हर प्रकार के विषय का अध्ययन कराया जाता है। ये केवल शिक्षा ही रह जाती है, ज्ञान नहीं होता। स्नातक पूर्ण हो जाने पर एक चिकित्सा के रूप में छात्र को तभी मान्यता मिलती है जब वह स्नातकोत्तर पूर्ण कर लेता है। स्नातकोत्तर के लिए छात्र को प्रतियोगी परीक्षा नीट देनी होती है, जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातकोत्तर परीक्षा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र की रुचि क्षमता बिल्कुल नगण्य हो जाती है। स्नातकोत्तर के बाद वह केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता है। MBBS के स्तर पर पढ़ाए गए विषय उसके लिए अर्थहीन हो जाते हैं, इनका महत्व भी उसके भविष्य में नहीं रह जाता। अगर ऐसा ही है तो MBBS के प्रारंभ में ही छात्र की रुचि के अनुसार उसकी क्षमता का परीक्षण करके प्रारंभ में ही यदि एक ही विषय पढ़ाया जाए उसका ज्ञान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप विषय प्राप्त कर छात्र उस विषय में शोध करेगा, परीक्षण करेगा, उचित परिणाम के साथ दक्षता प्राप्त होगी, तभी वह शिक्षा के चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया एक कीर्तिमान कायम करेगा, एक नए रूप में सामने लेकर आएगा। भारत में केवल चिकित्सा क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला विज्ञान वाणिज्य के क्षेत्र में भी छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप विषय चुनने का अधिकार नहीं है, किंतु छात्रों को अत्यधिक संख्या और समय के अभाव के कारण मार्गदर्शन और ज्ञान छात्रों को वंचित कर देता है। हालांकि नई शिक्षा प्रणाली रोजगार परक है जो आने वाले समय में छात्र को आजीविका तो दे सकती है, लेकिन छात्र को उतना ही ज्ञान नहीं मिल पाता, उतना ज्ञान जितना कि उसके लिए आवश्यक होता है, जिसमें वो दशक दक्ष हो जाए। हालांकि कुछ दशक पूर्व हमें शिक्षा के साथ में ज्ञान भी मिला करता था। आज सारे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, किंतु पर्यावरण प्रकृति के प्रति क्या सच्चे अर्थों में मानव कर्तव्यों का पालन कर रहा है, यह ध्यान देने का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता था तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती थी कि प्रकृति के विभिन्न रूपों प्राकृतिक आपदाओं को जान लेता था। आने वाले समय में वर्षा होगी, आंधी तूफान आएगा या कोई और आपदा आएगी, इसका ज्ञान या आभास उसे हो जाता था। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले व्यक्ति जान लेते हैं कि कब वर्षा होगी, कब हिमपात होगा। नगरों महानगरों में रहने वाले भौतिक संसाधनों से युक्त मानव इस ज्ञान से पूरी तरह वंचित हो चुके हैं। आने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को हम विज्ञान या मौसम विभाग के आधार पर ही जान पाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जानने का अन्य साधन नहीं होगा। आज प्रकृति में से अलग हुआ मनुष्य अपनी प्रतिभा खो चुका है, जबकि नगरों महानगरों में निवास करने वाले पशु पक्षी आज भी कीट पतंग यह ज्ञान रखते हैं कि प्रकृति में कब क्या परिवर्तन होने वाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि विगत वर्षों में आने वाली प्राकृतिक आपदा भूकंप सुनामी और बाढ़ का पूर्वाभास जाने के कारण पालतू पशु संवेदनशील इलाकों से पलायन कर रहे थे और वहां से भागने का प्रयास करने लगे थे। आज भी नगरों में जब चींटियां अंडे उठाकर पंक्तिबद्ध होकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगती हैं तो संकेत मिल जाता है कि कुछ ही घंटों में तेज वर्षा होने वाली है। भौतिक सुख साधनों के लिए मनुष्य ने प्रकृति का दोहन तो किया है, उसे नष्ट किया है। यह विज्ञान प्रगति का ज्ञान नहीं, संकुचन है। आज का मानव पर्यावरण की सुरक्षा का मात्र दिखावा कर रहा है और अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। प्राचीन भारत में कुछ विद्वान ऐसे थे जो नक्षत्रों की पहचान करके मनुष्यों के भविष्य में होने वाली घटनाओं ज्योतिष विज्ञान के द्वारा जान लिया करते थे। ज्योतिष में नक्षत्र ही नहीं हस्तरेखाओं के आधार पर भी वर्तमान भविष्य का सम्यक ज्ञान हो जाता था। यह ज्ञान पूर्णता सटीक था, किंतु धीरे धीरे यह ज्ञान लुप्त होने की कगार पर है। मनुष्य के जन्म के समय उसका जन्म स्थान नक्षत्र ग्रह समय इत्यादि के आधार पर अध्ययन मनन करके जन्म कुंडली बनाई जाती थी। इस कुंडली में बच्चे का स्वभाव भविष्य आने वाला शुभ अशुभ समय सभी को अंकित किया जाता था। आज के समय में जन्म कुंडली बनती तो है लेकिन वो संगणक यानी कंप्यूटर के आधार पर बनती है, जिसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना असंगत है। यह ज्योतिष हस्तरेखा नक्षत्रों का ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। इस युग में मानव क्या हो रहा है, क्या भूल रहा है, ये अज्ञान होकर इस ज्ञान को आज पुराणपंथी माना जाता है। अभी भी भारत के कुछ गांव अंचलों में
ऐसा ज्ञान है जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। मेरे ही क्षेत्र में कि ये मैं कोट कर रही हूँ, अस्थि भंग होने पर आयुर्विज्ञान से कम 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के कुछ अंचलों में टूटी हुई हड्डी पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर खपच्ची की सहायता से बांध दिया जाता है और केवल 7 दिनों में हड्डी जुड़ जाया करती है। इसी कला को यदि सक्षम शिष्यों में नहीं बांटा गया तो ये ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरा एजन, अर्थात कम ज्ञान संकट को जन्म देने वाला होता है। यह कहावत उन व्यक्तियों पर पूर्णतः खरी उतरती है जो योग आयुर्वेद का ज्ञान न होने पर भी YouTube के माध्यम से, संचार के माध्यमों से अपने थोड़े से सीमित ज्ञान को बांट रहे हैं और लोग उनको मानकर, ज्ञानी मानकर उनका पालन भी कर रहे हैं। उनकी अनियमितता किसी के जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न कर देती है, किसी के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर सकती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन प्रामाणिक ज्ञान को पिछड़ा न मानकर उसे नकारना नहीं चाहिए। ज्ञान ज्ञान होता है। आधुनिकता के पीछे भागते हुए अपनी पहचान खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्राचीन ज्ञान यदि निरंतर अध्ययन करके, मनन करके समृद्ध बनाया जा सकता है तो उसे आज भी हम संरक्षित कर सकते हैं। मानव के लिए उपयोगी है कि वो प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन ज्ञान के विस्तार को सबसे बड़ा रखे। प्राचीन ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हुए उसका अनुसरण करें। ज्ञान यदि सीमित हो सके तो रुके हुए पानी की तरह सड़ने के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़कर शिक्षित करना ही नहीं, उसे ज्ञानी बनाना भी आवश्यकता है। पाश्चात्य संस्कृति के मोह में अपनी पहचान न खोए, ये प्रयास हम सभी अभिभावकों को, माँ बाप को और शिक्षकों को सम्मिलित रूप में करना है। धन्यवाद। चिंता व्यक्त करने वाला जो है एक व्याख्यान डॉक्टर लीला जी ने पेश किया। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँगा इस पेपर से रिलेटेड, फिर हम सवाल जवाब कर सकते हैं। समय काफ़ी है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग टिप्पणी भी करें, सवाल भी करें और अपना कुछ अगर इनपुट भी दे सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये विषय जो है आज वर्तमान समय में जिस दौर से हम पिछले 100-150 साल में देखा कि हमने अपने आप को खो दिया है, अपनी पहचान को खो दिया है, तो उसके कारण पता लग चुके हैं। वो चिंताएं इस पेपर में हमें सामने आती हैं। 2 तरह की चीज़ जो एक तनाव के रूप में पेश की गई वो आता था मॉडर्निटी और ट्रेडिशन। तो क्लियरली साइंटिफिक व्यू से साइंस भी अपने आप में उन्होंने वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पे उन्होंने मॉडर्निटी को कहा कि पॉजिटिव वे में सब कुछ ही ठीक है, चाहे आप उसका हाइड्रोजन बम बना के उड़ दें वो भी ठीक है जो उसने दिया। ट्रेडिशन सब कुछ जो है वो बेकार है, छोड़ने लायक है, उसमें कुछ नहीं है, वो बर्बाद करने वाला है। ये 2 चीज़ें हमारे दिमाग में भर दी गई। इसका रीज़न जो है और इसका एक पॉलिसी मेकिंग में जो सभी लोग मैकॉले की बात करते हैं, उसके मिनट्स की बात करते हैं, बेसिकली वो मिनट्स 1 मिनट का ही है। अगर उसको दूसरे शब्दों में लें तो ट्रिपल ई, इंग्लिश एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। जब उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए जो कि एजुकेशन देने के लिए होगा और उसमें ही एम्प्लॉयबिलिटी होगी, तो लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसकी वजह से इंग्लिश को वो चुनते हैं एजुकेशन के लिए। तो नेचुरली उस जब सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आप एक खाने वाले जीव और बौद्धिक रूप में बिल्कुल निरस्त हो चुके होते हैं। आपको उन्होंने एक मशीन बनाने के लिए, जो साइंस ने हमें एक आइडिया दिया कि आप मशीन हैं। यहाँ पर डॉक्टर लीना ने जो चिंता व्यक्त की कि हमारा जो ज्ञान है इसका विस्तार, उसको कैसे संकुचित ना रख के उसका विस्तार होना चाहिए तरीके से। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, इस सीरीज में ही
जो है सूचनाएं और ज्ञान, फिर विवेक। अल्टीमेटली हमारा भी जो ध्येय है वो विवेक पर होता है कि अगर ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो किस लिए करना है, ताकि हम सही गलत में अंतर कर सके। तो ज्ञान अपने आप में एक शुद्ध रूप है, और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, सर्वम ज्ञानेन शब्देन भासते। तो सारा ज्ञान जो है शब्दों से ही प्राप्त होता है। तो शब्द इसमें वो इकाई है जिसको हम शब्द को ब्रह्म रूप भी मानते हैं, वो इसलिए कि शब्दों के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हर तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो आभास है वो शब्दों से होगा, और शब्द शिक्षा से प्राप्त होंगे। अगर शिक्षा में हम उस कड़ी में जुड़ते हैं, शिक्षा किस तरह की दी जाए, वहाँ पर जो है इस पेपर का जो बहुत इम्पोर्टेंस हमें प्राप्त होती है कि इन्होंने पुरातन समय की भी बात की कि किस तरह का हमारे पास ज्ञान था। जब कई बार हम वैमानिक शास्त्र की बात करते हैं तो उसको तो कूड़ा और बदले भ्रम मान के छोड़ दिया जाता है। एटलीस्ट उसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आता तब उसको ट्रैश कर दीजिए, लेकिन अगर हजार साल पहले, हजारों साल पहले किसी तरह का कोई मटेरियल हमें ये मिल रहा है जो संकेत करता है कि इन चीज़ों का हम आज की वेब की टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी में मान लेते हैं कि बिना देखे सब कुछ संचारित हो रहा है, लेकिन उस समय ऐसा ज्ञान हो कि कोई मेडिटेशन करके दूसरे के साथ अगर वो कर सकता है, बात कर सकता है, हम उसको बिल्कुल नकार दें। योग में हो सकता है इतना जबरदस्त, साइंस से भी ज्यादा। साइंस की जगह हम दो तरह, जैसे ज्ञान और एक अलग कैटेगरी है विज्ञान जी। बिल्कुल विज्ञान का हमारे पास कॉन्सेप्ट है और कहीं परिष्कृत साइंस से भी ज्यादा जो है उसका हमें अदर साइंस जो ज्ञान की कैटेगरी उसमें आती है। सो ये वो चीजें हैं जो जिनको हम त्याग के परंपरा मान के, परंपरा त्यागने लायक है, छोड़ दो। तो सब कुछ छोड़ते छोड़ते हमने आयुर्वेद को भी छोड़ दिया, आर्किटेक्चर को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ते थे। एक एक करके हम लोग जो है वो बिल्कुल ब्लाइंडली साइंस में आके वेस्ट को फॉलो करके एक गुलाम बन गए, और आज हम देखते हैं कि हम कहीं नहीं रहे। बौद्धिकता में क्यों पिछड़ जाते हैं? बौद्धिकता ज्ञान जो है आज हमें बौद्धिकता नहीं दे रही, ज्ञान हमें हो सकता है स्किल्ड लेबर बना रही है। सबका फोकस शिक्षा में यही है कि उनको स्किल्ड लेबर बना दीजिए, जबकि ज्ञान दोनों तरफ चलता है और एक होलिस्टिक ये डेवलपमेंट के लिए होता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चले। तो इन सारे कंसर्न्स को लेकर जो डॉक्टर दीना जी ने पेपर पेश किया है, मुझे लगा कि काफ़ी इसमें चिंतन भी किया जा सकता है, बहुत सारे सवाल भी ये जो खड़े करता है। तो मैं एक एक करके आपसे इन्वाइट करता हूँ। तो हाँ जी डॉक्टर, मैम थैंक यू, इट वॉज अ नाइस पेपर। मैंने एक टेंडेंसी देखी मैम, जब भी हम बात की है संस्कृति की बात करते हैं, पुरातन संस्कृति की बात करते हैं, तो एक यूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी शिक्षा पद्धति बहुत रिच थी। मैं थोड़ा सी इसी इतफाक रखता हूँ, भारतीय शिक्षा पद्धति अगर इतनी रिच थी तो खत्म क्यों हो गई? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ मैम, इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट था सोसाइटी का, उसका सेल्फिशनेस था, उसने उस शिक्षा को आगे स्प्रेड होने ही नहीं दिया। एक पर्टिकुलर कास्ट तक उसे सीमित रखा, और बांटने को, आगे स्प्रेड होने को एक बड़ा टैबू मान लिया कि अगर आपको योग्य स्टूडेंट मिलता है तो ही आप दीजिए, अदरवाइज आप इसको मत दीजिए। परिणाम क्या हुआ कि वो जो सीखा हमने अनुभव किया था पर वो खत्म होता चल गया। तो इसमें कास्ट सिस्टम का बहुत भारी रोल रहा, मोरलिटी का बहुत भारी रोल रहा कि हमने कभी उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में नहीं रखा, उसकी वजह से समय के साथ साथ खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट, कहीं ना कहीं हम इतिहास और साहित्य को आपस में मिक्स कर देते हैं। जो कल्पना की उड़ाने हैं उसको साहित्य मान लेते हैं, हम उसको इतिहास मान लेते हैं कि भाई ये सब चीज़ें अगर हैं तो वो मेटीरियल रूप में एग्जिस्ट करती होंगी, हम कल्पना को स्वीकार नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अल बेरूनी ने 1000 के आसपास कही थी, मैं थोड़ा सा उसको कोट करूंगा। द हिंदूज बिलीव दैट देयर इज नो कंट्री बट देयर्स,
no nation like theirs, no king like theirs, no religion like theirs, no science like theirs. They are haughty, foolish, vain, self-conceited, and stoic. The Alberoni. They are by nature niggardly in communicating that which they know. Kanjoos hain, baatte nahi hain. And they take the greatest possible care to withhold it from men of another caste among their own people. Apne hi caste ke logon ko jo kuch bhi jante hain, nahi dete hain. Steal much, of course, from any foreigner. Their haughtiness, unka jo haughtiness hai, proud hai, is such that if you tell them of any science or scholar in Khorasan or Persia, they would think you to be both an ignoramus and a liar. Agar aap baat karo ki bhai इंडिया के बाहर भी कोई विज्ञान है, कहते ना जी या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप यहाँ से चुरा कर ले गए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. तो मैं जहाँ तक समझता हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस थी. तो जब भी हम उसकी बात करें, कंपेयर करें मॉडर्न सिस्टम के साथ साथ, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो क्यों खत्म हुआ, रीजंस क्या, तो डिके क्यों हुआ, हम उसको आज तक क्यों नहीं लेकर ले पाए उसको. पहली बात तो मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा जो कल्पना है हमारा इतिहास है, कल्पना के लिए आपके लिए क्या संकेत है? क्या महाभारत, रामायण ये हमारे काल्पनिक ग्रंथ है या ये वास्तविक है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ. नहीं, आपने कोट किया ना सर, आपके पास कौन सी ऑथेंटिक वो है? अगर हमारे पास शास्त्र थे, अगर हमारे पास आवाम होने वाले वायुयान थे, अग्नि के हमारे पास शस्त्र थे, तो कहाँ गए? यही तो कहना था. और क्या ऐसा था कि वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम उस ज्ञान को धीरे धीरे समेटता रहा और उसको आम लोगों तक पहुंचा पाया, हम लोग नहीं ले पाए उसको. पहली बात तो ये सर कि राम सेतु आज भी बना हुआ है, द्रोणगिरी पर्वत के जो साक्ष्य मिलते हैं लंका में, वहाँ की मिट्टी अलग है, देवदार के पेड़ वहाँ पर हो रहे हैं. आप ये सब कारण बताएं वो वहाँ कैसे पहुँचे? मैं मान रही हूँ मैं काल में बात कर रही हूँ. अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, भारत से हमेशा से मुगल शासक रहे हो, अंग्रेजी शासन रहा हो, यहाँ कई शासक यहाँ आते आते रहे और शासन करते रहे, तो जो हमारी संस्कृति थी हम उससे न जाने कितने साल पहले हमारे हिंदी में जो कहा जाता है भक्ति काल, उसी में हम लोगों से दूर जा चुके हैं, अपने आप को भूल गए, हमारे मंदिर टूटते रहे, सारे के सारे ग्रंथ जला दिए गए, नालंदा में आग लगाई गई जो इतने साल तक जलती रही, तो जितने हमारे प्राचीन धरोहर थी वो नष्ट कर दी गई. जो भी शासक आए उन्होंने अपनी जो उनकी संस्कृति थी, उनका ज्ञान था, उसको हम पर थोपा और हमारी सारी संस्कृति का विनाश करने का कारण किया गया. तो 1000 के आसपास आए सर, उससे पहले भी कहीं ना कहीं आकर पहुंचे थे. ये ज्ञान आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? प्रश्न ये, क्योंकि वो प्रॉपर व्यू में उसको सीमित रखा गया या उसे पूरी तरह हस्तांतरण नहीं पाया, यही समस्या मैंने सुना है सर. एक चीज मैं और ऐड कर दूं, ये जो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था, यहाँ पे अगर आप एक शिक्षा की बात करते हैं या ज्ञान की बात करते हैं ना, दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है. सेम मैकॉले जिसने ये इम्प्लीमेंट किया, उसकी अपनी रिपोर्ट में है कि इंडिया में, भारत में तकरीबन 80-90% लोग शिक्षित हैं. अगर आप उसकी एक बात मानते हैं, आप बरूनी को अनडिस्प्यूटेडली मान लेंगे, अपने ग्रंथों को उसमें कही गई बातों को हम नहीं मानेंगे. पतंजलि अगर पाणिनि के ग्रंथ उनके ऊपर दरिदा तक अपना डिकंस्ट्रक्शन का एक जो आइडिया बना के हमें दे सकता है, अगर उसके स्फोटवाद पे अगर आप जाएंगे, तो उससे पहले और बाद की जो कड़ी टूटती है, जहाँ जूलिया क्रिस्तेवा तक अपना छोड़ देते हैं किसके आगे हमें मालूम नहीं, आप पतंजलि में चले जाइए, वो बता देगा इससे पहले क्या था, अंत में क्या था. हम लोग एक्चुअली हमें ना अपने ज्ञान के ऊपर आत्मविश्वास ही छोड़ दिया इसको ये करने के लिए कि नहीं, कास्ट सिस्टम था उसमें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको रोका जाता था. मुझे लगता है अगर आपके पास कोई ऐसे ऑथेंटिक कोई सोर्सेज हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ या बताया जा सके, हम पहले तो रिजेक्ट कर देते हैं कि रामायण और महाभारत है ही नहीं, ये कथाएं हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर्ड पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको तो मान लेंगे, उसमें से गलतियां निकाल लेंगे. पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि वो थे या नहीं थे, अगर थे तो देन गो इन टू दैट डायरेक्शन
आत्मचिंतन करना है, ढूंढिए भारत के बारे में हम ही बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग हिस्ट्री है, ये जीवंत इतिहास है, जो आज भी हम जानते हैं उन चीजों को चला रहे हैं। कुछ कुप्रथाओं को जो हम खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, प्रथाएं हमेशा कुप्रथा बन जाती हैं समय के साथ, तो उन कुप्रथाओं को रिजेक्ट करना हमारा दायित्व है। हमने उसको सोच समझ के उसको निकालते गए। सती प्रथा को हमने ही समाज से खत्म किया। किसी ने आके हमें कोई अगर कानून बना दिया, हमने तो करना ही था खत्म। जब किसी चीज की रेडिकल खत्म हो जा सकती है, उसको एक टाइम पे कह के कि उसको ग्लोरीफाई किया जाता था या उसका एक खास मतलब रहा होगा टाइम में, एक जगह पे होता था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता था। डाइवर्सिटी है, प्लूरल सिविलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सब कुछ आप उसमें से कुप्रथाओं को निकाल के कहें कि ये भारत था, तो इसको तो हम मान नहीं सकते कि रिजेक्ट करने लायक है। तो मुझे लगता है हम अपनी ही हस्ती मिटाने के लिए पैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें मॉडर्निटी के साथ जुड़ी हुई हैं। मॉडर्निटी के बाद नाउ वी आर इन द पोस्ट मॉडर्न एरा, सो जहाँ पे प्लोरालिटी और डाइवर्सिटी और उन सब चीज़ों की बात होती है, तो व्हाई इज इट दैट वी आर स्टॉपिंग ओनली देयर एंड नॉट टेकिंग इट फर्दर, कि पोस्ट मॉडर्न में हम किस तरीके से चीज़ों को अब थोड़ा डिफरेंटली शायद देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज को हम बिल्कुल, बिकॉज आई नो इन मैनी डिपार्टमेंट्स बाहर भी और यहाँ भी इंडिया में भी, न्यूरो साइंसेज के डिपार्टमेंट्स आर डूइंग रिसर्च ऑन कॉन्शियसनेस, यू नो, जो हम चेतना की बात करते हैं। सो इट्स नॉट दैट एफर्ट्स आर नॉट बीइंग मेड। तो आई थिंक इफ यू टेक इट फर्दर and not just stop at modern education, I think we will have, perhaps it will be richer rather than just saying ki modern tak hum log jaate hain. I think the point he has made ki caste system, I think that's an important point, the way education system hamara evolve hua hai traditionally, to look at that ki wo kisko access tha ya nahi tha. Yeah, for the time being, I think I'll just stop here. Yeah, I think that's my main point. Yeah, I think abhi jo efforts ho rahe hain, uske baare mein I think we need to look at that. And also, if you could connect it with, to what extent do you think the current NEP takes into account your concerns? Ha, Puram ji, thank you. Maine ye kahi nahi kaha ki gyan ruk gaya hai. Gyan hai. बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या आपका जैसा टॉपिक है सिटी प्रोग्रामिंग के बारे में, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो ज्ञान आज नहीं दिखाई पड़ रहा। आपने जैसे कहा था कि उसके प्रमाण, चलिए मैं रावण महाभारत के प्रमाण नहीं दे रही,
लेकिन मैं मिस्र की बात कर रही हूँ उस समय। मिस्र के पिरामिड अगर आप देखने जाएंगी, वो टेक्निक जिससे कि ऊपर पहाड़ चढ़ाए गए बड़े बड़े पत्थर, जो प्रिजर्वेशन था, जिसकी वजह से आज भी वो जो मम्मी है बनी हुई है, क्या हम उस टेक्निक को जानते हैं? या क्या आज के विज्ञान में जो हम एक संरक्षण कर रहे हैं, एक प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्या वो उस समय था? क्या वही टेक्निक थी? टेक्निक चेंज हो गई, वो बनाने की प्रक्रिया चेंज हो गई। ऐसे ही जैसे किसी भी आप क्षेत्र में रह लें, ज्ञान असीमित है, बेशक हम तरक्की कर रहे हैं, पहले ऐसी नहीं थी, आज ऐसी है, लेकिन जो उस समय के रुका हुआ था, आप जैसे सेतु की थी, कल ही मुझे मालूम पड़ा कि शायद राम ने जो सेतु बनाया था वो हिमालय ज्वालामुखी से निकले हुए पत्थर थे, जो स्पॉन्ज लाइक थे, जो कि मैं हवा पास हो सकती थी, इसकी वजह से तैरते रहते थे। लेकिन उस समय वो टेक्निक जिससे सेतु तो बना हुआ है, उसके प्रमाण तो है, श्रीलंका तक जाने का क्या रास्ता था? मैं उस ज्ञान की बात कर रही हूँ, ज्ञान असीमित है, यानी हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, इतने रूप में ज्ञान हमारे सामने है। केवल कोशिश मेरी यही है, क्योंकि हम सारे के सारे एकेडमिशियन बैठे हुए हैं, कि जो अगर हमारा प्राचीन ज्ञान खो रहा है, जिसको हम भूल रहे हैं, जिसके बारे में हम आज बिल्कुल दिमाग से निकाले जा रहे हैं, या हम जिसे पिछड़ा हुआ मानते हैं, उसे पिछड़ा ना मानकर, क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है, पिछड़ा हुआ नहीं होता है, उसको भी अगर हम मान्यता दें, तो हम कहीं ज़्यादा उससे प्रगति कर सकते हैं। हमारी जो प्रगति है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, कर तो रहे हैं, विकास लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रामाणिकता खोजते रहे उसमें, उसमें केवल ये देखते रहे कि ये सारी कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। प्रमाण हर चीज़ के हैं आने वाले समय में, बल्कि नासा की खोज में भी रामायण और महाभारत का अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ जो अलका मैडम ने देंगे अपना प्रेजेंटेशन, उसमें भी महाभारत का जिक्र किया गया है, तो ये सारी हवाई बातें नहीं है, कपोल कल्पनाएं नहीं है। लेकिन उस समय का जो ज्ञान था शब्द भेदी वर्ण का, आपने नाम लेके चलाया, बाण चला गया, तो वो कहाँ गया? केवल यही खोज तो हमें करनी है, यही देखना है कि वो ज्ञान गया कहाँ। आज भी हम कर रहे हैं प्रगति, लेकिन वो जो खो गया ज्ञान, हमसे लुप्त हो गया, जो हमारी धरोहर चली गई, केवल उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षण करना यहाँ पर मेरा उद्देश्य था। मैं कुछ बात करूं, मैं इतिहास का छात्र हूं, तो आप जो भी ज्ञान की परंपरा के बारे में बोल रहे थे, उसको इतिहास से भी जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर जो बात कर रहे थे कि अलवेरुनी 1000 में आया और उसने तैके के हिम नाम की किताब लिखी, और उसको जो भी अनुभव आया है वो बहुत सीमित अनुभव था उसका, उसको हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। 8वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था में एक ताठरता आ गई, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई, और उससे भी जाति निर्माण हो गई, उसमें कठिनता आ गई, फिर महिलाओं की गुलामगिरी भी 8वीं सदी से शुरू हुई। उसके बाद ज्ञान के बारे में हम जो आज समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं वो वहां से शुरू हुई, ये जो गैप हुआ है उसमें हुआ है। उसके बाद छोड़ो 800 पहले की, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला इतिहास तो ब्रिटिश आदमी ने लिखा, ग्रैंड ऑफ ने, तो 1000 साल हमारे पर किसने अत्याचार किए, क्या हुआ, 1000 साल का जो पूरा पीरियड था, समय था, उसको हिस्ट्री में डायर पीरियड समझा जाता। फिर 1921 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद समझ में आया कि हमारा इतिहास सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट से शुरू जो होता था वो उससे 5000 साल पीछे गया। तो ये आप ओशो का एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसका ऑडियो है, ज्योतिष विज्ञान पर रैशनलिज्म में पहली बात ये होती है कि जो मुझे नहीं दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आज जो नहीं दिख रहा है, आज मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हो सकता है। तो जो संजय ने धृतराष्ट्र के सामने खड़ा होकर पूरा युद्ध का जो वर्णन बताया है और गीता पूरी सुनाई है और पूरा युद्ध का वर्णन जो किया है, हम आज जो 2 मिनट में अगर 2001 में ट्विन टावर्स पढ़ते समय हम पूरे वर्ल्ड के लोगों ने देखा कि एक तो गिरने के बाद 2 मिनट में देखा, दूसरा तो लाइव देखा पूरे वर्ल्ड ने, तो ये जो बात हम आज देख रहे हैं वो पहले हो सकती थी, ये पहले हमको मानना जरूरी है। और दूसरी यह बात है कि ये जो धर्मपाल जी है,
धर्मपाल जी के एजुकेशन पर बहुत अच्छी खंड है उनके, उन्होंने यह बताया जैसे कि अभी सर ने मेघवाले का नाम लिया था, तो धर्मपाल यह बताता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है हिंदुस्तान की, और आज भी आज जहां पर कि फेसबुक इंटरनेट व्हाट्सएप सब रहते हुए भी सिर्फ 3% लोग ही पढ़ते हैं, साक्षर तो 85% है लेकिन ज्ञानी 3% ही है, पढ़ते लिखते 3% ही है। तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में, समाज की पिरामिड में सबको एक ही नॉलेज की जरूरत नहीं थी, कोई म्यूजिक में एक्सपर्ट था, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने में एक्सपर्ट था, कोई बिल्डिंग बनाने में, कोई स्कल्पचर बनाने में, तो हर एक की उनकी उनकी एक्सपर्टिस थी। ब्रिटिश या यूरोपियन लोगों के जैसा फॉर्मल यूनिवर्सिटी, फॉर्मल सर्टिफिकेट, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। अगर एक वैद्य के घर पर किसी को पढ़ना है उसकी आरोग्य विज्ञान की सारी बातें, तो उसके घर पर रहना पड़ता था। इवन भारत रत्न भीमसेन जोशी भी यह बताते हैं कि उनको संगीत सीखने के लिए उनके गुरु के घर पानी भरना पड़ा, वो वेजिटेरियन थे लेकिन मांस लाने के लिए उनको लाइन में खड़े रहकर गोश्त लाते थे वो अपने गुरु के लिए। तो ये गुरु के ये जो बातें सारी है, ये मुझे लगता है कि हमें ज्यादा कष्ट करने के बाद ये हमारा ज्ञान का भंडार अच्छी तरह खुल सकता है, लेकिन उतने पेशेंस हमें रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये जो बातें अभी सर ने की, इसके लिए जो अभी यूरोपियन रिसर्चर जिस तरह का कष्ट करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, एक क्रेज बनता है नॉलेज गेन करने के लिए, तो उसकी बहुत बहुत जरूरत है। सिर्फ एक लास्ट में मैं बताता हूँ, आज की जो शिक्षा है उसमें सभी को यह अवसर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे पास, मैं अगर प्रोफेसर हूं तो मेरा बेटा पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड, ऐसे कैम्ब्रिज वगैरह नाम के, जहां पर 1,00,000 की फीस है। जो मेरा बाजू का नेबर है जिसको वो पैसा नहीं दे सकता, वो तो अपने जिला परिषद के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये कैसे हम करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। दो तीन चीजें मुझे लगता है कि साफ करनी जरूरी है। नहीं मैं नहीं सकती, आवाज आ रही होगी मेरी? एक तो मुझे लगता है कि हम डिबेट को ये मानकर आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट जिनके पारिभाषिक अर्थ जो कि हमें इस भारतीय परंपरा के अनुसार ज्ञात होने चाहिए। भारतीय परंपरा में ये होता था कि शास्त्रार्थ का पहला हिस्सा आदमी ये बताता था कि मैं व्हाट आई एम सेइंग और मेरी मीनिंग क्या है, मेरी टर्मिनोलॉजी जिसको मैं यूज कर रहा हूँ उसके अर्थ क्या है। अगर आप लोकतंत्र बोल रहे हैं तो लोकतंत्र राजनीति से बोल रहे हैं या कि अध्यात्म के बोल रहे हैं उससे, वही कह रहा हूँ। तो वहीं से गड़बड़ मुझे लग रहा है, मैं इसको सुन रहा हूँ तो ये हो रही है। और एक हम जनरलाइजेशन जैसा हमारा एक होता है कि हम हर विषय पे, सचिदानंद सिन्हा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, कल्चरल स्टडीज के बड़ा नाम है, उन्होंने एक बहुत सुंदर उक्ति लिखी है, मैं उसको प्राय कोट करता हूँ अपने उसमें, कि इंसान की फितरत है कि जिन चीज़ों को सबसे कम समझता है उन पर सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, फास्टेस्ट, ये उसकी प्रवृत्ति है, मनुष्य मात्र की, हमारी नहीं है, मनुष्य मात्र की। तीसरी ये कि जो मॉडर्निटी और इंडिजीनियस कल्चर को लेकर जो बात हो रही है, तो ना तो मॉडर्निटी अपने आप में पूरा बेकार है और ना इंडिजिनस बेकार है। तो ये जो एकांगी या एकाक्षी दृष्टि से इसको देखना है वो भी, और ये जो कोटियाँ हमने बनाई है वो भी वेस्टर्नाइज कोटियाँ हैं। हमारे यहाँ तो सभी को, जैसे सर ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था होलिस्टिक, उनकी भाषा में, हमारे यहाँ उसे समग्रता उसे कहेंगे, कि परिपूर्ण उससे देखा जाए। और एक सर की बात मैं ऐड करना चाहूँगा, और कि जिसे हम ये मान के चलते हैं कि यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान, अनडाउटेडली उनका ज्ञान विज्ञान कहीं कमज़ोर नहीं है, ये भी मानना हमें होगा, लेकिन हाँ ट्रेडिशन हमारे बीच है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और इसका एक बड़ा सबूत मैं आपको देता हूँ, रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतिहास वाले मेरे साथी तो जानते होंगे और बाकी भी आप शायद उससे वाकिफ होंगे, कि वो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। और उसकी कहानी ये है कि उस समय वहाँ आगरा फैमिन जो पड़ा था दुर्भिक्ष, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि जब प्रजा बहुत भूखों मर रही है और उनके पास खाने को नहीं है, और तो उसको थोड़ी दया उपजी, उसका एक ईसाई मन जो करुणा से उपजा, उसने सरकार को चिट्ठी लिखी कि भी लोग यहाँ मर रहे हैं और उनके हालात बहुत खराब है, तो सरकार को कुछ करना चाहिए।
तो वहाँ आया कि अंग्रेज तो कंपनी थी ना, कंपनी तो विदाउट प्रॉफिट कोई बात ही नहीं करती, उनका आप ये सभी मुस्तल बातें मत लिखिए, पत्राचार पढ़ सकते हैं आप पूरा उनकी फाइल है बकायदा। तो उन्होंने कहा आप तो ये बताइए कि अगर इनको कुछ हम दे रहे हैं खाने पीने, इनको जिंदा रखें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो उसने दोबारा सोचा कि इसे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना लोग मर जाएंगे, ये सोच नहीं रहे। तो उसने वहाँ के कुछ कारीगरों को बुलाया, रुड़की के पास एक पुल बना हुआ है आज भी, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उसको ये डिटेल लिखी है वो सारा। और उन कारीगरों को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भाई एक पुल बनाना है, तो सरकार को कहा कि देखिए एक पुल बना देते हैं जो इधर से इसको दूसरे हिस्से से जोड़ेगा, तो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन का लाभ मिलेगा, हम सामान का माल का जो है इधर से लाना ले जाना करेंगे, इससे हमारा आर्थिक। उसने एक लॉजिक बनाकर गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए उनकी मदद के हिसाब से किया। उस टीम ने जो कि तथाकथित रूप से आज की IIT नहीं थी, ना ही कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, और उन्होंने वो शानदार पुल बनाया जो आज भी वहाँ खड़ा है, जिस पर आज भी भारी वाहन गुजरते हैं और वो स्ट्रक्चर खड़ा है। एंड दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे एशिया के इतिहास में पहला रुड़की का कॉलेज इंजीनियरिंग को ब्रिटेन में नहीं खुला था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय आधी दुनिया पर राज कर रहा था, याद रखिएगा। तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो इतना नहीं था या हम बढ़ा चढ़ा के करते थे, ये उसका अभी का प्रमाण है। दूसरा, धर्मपाल जी की बात आपने की, आप सबको एक किताब है उनकी भारत का स्वधर्म, वैसे तो धर्मपाल कंप्लीट ही पढ़ना चाहिए, द ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर उनकी किताब है, लेकिन भारत का स्वधर्म एक छोटी किताब है जो मद्रास प्रेसिडेंसी के डाटा को बताती है। ब्रिटिश लाइब्रेरी म्यूजियम लंदन से 20 साल उन्होंने गांधी जी के आग्रह पर जाकर वहाँ ब्रिटिश रिकॉर्ड से ही जो थे उनको सारी चीज़ें नोट की, और कई चीज़ें उनको लाने की मिलती नहीं थी, तो वो जो सिगरेट का या कोई ऐसा कागज़ ऐसे डाल के जेब पे ले जाते थे, तो उस पर वो लिख लिख के रेफरेंस लाते थे कि मैंने आज एडम की रिपोर्ट पढ़ी। अगर आप लोगों को जिनको ये लगे कि भाई हमारे यहाँ कुछ था नहीं, हमने कुछ बढ़ा चढ़ा के किया, तो एक बार एडम की रिपोर्ट से गुजर जाना चाहिए, उसे पता चल जाएगा कि जब अंग्रेज यहाँ आए और एजुकेशन सिस्टम को देखा तो उनकी आँखें खुली रह गई। और उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसीलिए मैकाले ने कहा कि इनका एजुकेशन बहुत तोड़ है, क्योंकि ये जिस ढंग की एजुकेशन ले रहे हैं, ये कोई कास्टिज्म वास्टिज्म नहीं थी जो हम बातें करते, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि आप धर्मपाल जी ने डाटा दिए, अंग्रेजों के डीए डाटा है जो उन्होंने बहुत सॉलिड ढंग से इकट्ठा किए थे एडम की और उससे रिपोर्ट से, उसमें गैर ब्राह्मण एजुकेशन ज्यादा ले रहे थे। एक बात इंटरप्ट करना चाहूंगा, हां सिस्टम कब नहीं था कि सेंचुरी में नहीं था? सर अरे सर सिस्टम में नहीं, मुझे आप नहीं टॉपिक से थोड़ा सा भटके मत, वो चीज छोड़िए, उसमें आंसर दोनों की तरफ से मिल जाएंगे। मैं लगता है सर आपकी एक बात खत्म हो गई क्योंकि समय कम रह गया, एक आध सवाल हम ले सकते हैं। हां जी, थैंकफुल टू लीना मैडम फॉर इनिशिएटिंग दिस डिस्कशन। Just listening to this, what I was saying is basically about the knowledge, the idea of knowledge, the center of the argument is about the idea of knowledge. So, I mean, the entire discourse, what I have seen is there is a binary has been created between the modern, not it is not called modern, it is the Western knowledge versus the traditional knowledge, and we are actually debating whether we should take the traditional knowledge or we should go for the Western. And the line of the discourse is the Western knowledge actually destroyed the traditional. This is the line of it. But I just want to invite your attention to the idea of knowledge. What, and in sociology we discuss it, what is the epistemology of knowledge? What is epistemology? Is nothing but how do we establish that something is knowledge, right? So, the knowledge, the modern scientific knowledge, got its authority not by its own virtue, it's through the methodology. The authenticity of the modern knowledge established itself through its methodology. The procedure, the method through which it established itself, right? So that gives the authenticity for the modern scientific knowledge, what we call the modern knowledge. What we had when we were talking about the historical knowledge is either intuitive or trial and error method. These were the two methodologies which we were using to establish this knowledge system. That doesn't mean that they are not valid. I'm not contesting that they are not valid. But the point is, the validity, the methodology of establishing any validity of a knowledge is modern scientific knowledge, which the methodology they establish is more acceptable because of many reasons.
One is anybody can contest it. Modern scientific knowledge has 3-4 characteristics. One is it is based on empiricism. You need evidence. You cannot establish any scientific knowledge on things for which you cannot provide evidences. So evidence, empiricism is very important in modern scientific knowledge. This is one thing. Second thing is its falsifiability. If you are establishing that this is knowledge, anybody can contest it. Anybody can prove that it is, you know, false. There is an opportunity to falsification. It is viable for falsification. So because of these 2-3 characteristics, it got its authenticity. That's why in Corona, why we went for a vaccination, why we are not looking for, because the method, we have trust on the trust procedure, okay, it will work. So the Western knowledge, it originated in the West, but it was not uncontested. When it was establishing Galileo or Bruno, they had to sacrifice their life. It was not an easy path. They were killed. I mean, that's why the Christian church, that time they were saying that the earth is the center of the universe. They challenged it. No, they had to lose their life. So the modern scientific knowledge got its glory. Thali mein rakhe koi diya nahi hai. It was a political process. So just like in India also, you are telling that the foreign rulers destroyed it, Western rulers destroyed it. But who destroyed Charvaka's philosophy in India? Not Mughals. Not Westerners. Who destroyed the Buddhist literature in India? Who destroyed the Buddhist literature in India? And there comes the issue of caste. And we had definitely, even in I am going from Chhattisgarh, the tribal have a knowledge on this, iron to process iron, to produce metals. But what happened? These knowledge, unlike in the West, where the official knowledge and the artisan knowledge were not two separate things. Many of the scientists were coming from the artisan's family. But in India, this has not happened because of the caste. There lies the Karamsad's argument. Because the artisanical knowledge who were actually working on the field, on metals, on field, on seeds, were not able to convey or establish the authenticity of knowledge. Because the authorship, the authority of knowledge was with the Brahmins. And they were not knowing what is going on in the field because they never went to the field and did the agriculture or this thing. So there was a huge gap in the Indian system between the experiential knowledge and the intuitive knowledge which you are talking about, which was with the Brahmins. And that's why the so-called glory of India has not put, it went into shackles. So we should accept in our, and I really accept that we had a great rich knowledge system. There is no doubt about it. But boasting, to prove that, we should not say that we had a history of Valmainika. But you see, who is contesting? In the Valmainika Purana, it is there. The structure is given. Na? Last 20, 30 years we are discussing. Why nobody built using that drawing? Why nobody is building another plane? It's a very simple question. We are still claiming that in Indian Purana, we have a drawing of Vaiman, aeroplane. Why we are not building another one and prove it? That's how the modern science works. If you have an argument, the burden of proof is on you. You have to give the evidence. You have to prove it. Modern science have evidence that the structure have not following the modern aerodynamics principles. Very clear. You cannot, it is not following the modern aerodynamic principle. And we talked about Setu. According to modern science, it is coral reefs, basically. And if you have an argument that it is from the Himalayan stone, the burden of proof is on you, and you have to establish through the method of science. So, that's what I'm telling. The blanket rejection of traditional knowledge won't do any help. We need to understand the method of establishing knowledge, and we have to pass through the process to establish what was with us, what was not with us, what went wrong with us. There should be a self-criticism, what Simran Madam is talking about, rather than giving blanket, And this is my comment. Okay. For only 1 minute, I will take. I also take half a second. And I think when we use the caste system, we take it a step further from Michel Foucault's archaeology of knowledge.
which is as of now the only thing that I've read on how knowledge is formed. So when we add this, you take it one step beyond food. So when Das was saying artisans, art and it is all knowledge regarding this metal, etc., it was not considered as knowledge. बहुत बढ़िया जो इस टॉपिक से चर्चा होनी चाहिए थी हुई और एक्सपेक्टेड होना भी चाहिए. हेल्दी डिस्कशन वही के हम जान सके कि जिस पोजीशन से हम बोल रहे हैं और जिस पोजीशन से दूसरा बंदा सोचता है दोनों में कहाँ अपने आप को कंटेस्ट किया जा सकता है. मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम जो वेस्टर्न कैटेगरीज हमें मिली है जिसमें हमारी एजुकेशन हुई है हम लोग भी एक ही तरह से पढ़े हुए हैं कॉलेज सिस्टम में यूनिवर्सिटी सिस्टम में मेथोडोलॉजीज को लेके टोटली 100% वेस्टर्न कैटेगरीज हमें दी गई और कहा गया कि आप इसमें फिट हो जाइए अगर आप फिट नहीं होते तो यू डोंट एग्जिस्ट है ना. अगर पीएचडी का आप खास मेथोडोलॉजी से रिसर्च नहीं करेंगे वैसे आप पीछे रेफरेंसेज नहीं देंगे तो रिजेक्ट कर देंगे. ऐसे ही हमारी थॉट्स में है अगर आप वैसा नहीं सोचेंगे नहीं करेंगे. सो एक वेस्टर्न पैरामीटर्स है एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें इतना रिजिड नहीं होना चाहिए. बेसिकली मुझे लगता है अक्सर ने भी वेस्टर्न या मॉडर्निज्म को कंटेस्ट नहीं किया डिनाई नहीं किया लेकिन इतना जरूर है कि ट्रेडिशन को जो आउटराइटली रिजेक्ट किया गया ना उसको अब कंटेस्ट करना बनता है कि सब कुछ बुरा नहीं है. कास्ट सिस्टम जाति प्रथा आती है कौन नहीं जानता बुरा है डेफिनेटली बुरा है. उसको आप तभी एड्रेस कर पाएंगे जब उसके बारे में बात करेंगे. रिजेक्ट करना भी बुरा है अगर आप रिजेक्ट कर दिए तो उसका मतलब उसको आप उसको डिस्कशन में नहीं लाना चाहते. उसको आप सोचिए विचार करिए उसमें से कैसे निकलना है तो ट्रेडिशन में से तो प्रेजेंट में तभी आप आएगा जब उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे. तो रिजॉल्व वाला भी जो है ना एक आजकल एक मीडियम कुछ दिनों से हफ्ते में चल रहा है कि कैसे उसको किसी मूवीज को क्या हो. सो एनीवे बहुत अच्छा लगा आज की चर्चा में और अच्छी बातें अच्छे विचार.